दोस्तों, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपको पता होगा कि 27 फरवरी को 13वीं किस्त जारी कर दी गई है प्रधानमंत्री द्वारा। और ऐसे में समस्या होती है उसको चेक करने के लिए कि हमारा पैसा आया है या नहीं आया है। और चेक करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है वो होता है मोबाइल नंबर। जैसे कि हम बेनिफिशरी स्टेटस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या तो हम मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। किंतु अगर मोबाइल नंबर नहीं है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर भी मोबाइल नंबर से ही निकलता है, और अगर जिसका पहले का रजिस्ट्रेशन है तो उसके में मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है, या फिर किसी का लगा था बंद हो गया है, नंबर खो गया है, तो इन सब समस्याओं की वजह से चेक करना मुश्किल हो जाता है कि पैसा आया है या नहीं आया है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि ना तो मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिर्फ नाम से ही चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं आया है, कितनी किस्तें आई हैं, कितनी नहीं आई हैं, सारी डिटेल आप निकाल सकते हैं सिर्फ अपने नाम से। मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप बिना मोबाइल नंबर और बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के अपना पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो अपनी आने वाली किस्त का या फिर जो किस्त आ चुकी है उसका पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, pmkisan.gov.in। ये इसका होम पेज है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट भी आ सकते हैं। और यहां पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, देख सकते हैं ये यहां पे इंडिया का नक्शा बना हुआ है, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पूरी डिटेल दी गई है, बताया गया है कि पेमेंट कहाँ कहाँ कितनी रिलीज की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है डैशबोर्ड का, ये आप देख सकते हैं डैशबोर्ड लिखा हुआ है, डैश लिखा हुआ है, आगे कुछ कटा हुआ है, तो ये डैशबोर्ड है। तो ये जो डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है इसी पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं पेज ओपन हो गया है विलेज डैशबोर्ड का। अब यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, तो आपका जो भी स्टेट होगा वो स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट लगती होगी वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है सब डिस्ट्रिक्ट, और ये सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील होता है, तो जो भी आपकी तहसील लगती हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिर सिलेक्ट विलेज। विलेज में आपकी जो ग्राम पंचायत लगती होगी वो डालनी है, क्योंकि ग्राम पंचायत जो होती है उसी का नाम आता है। तो ये सब कुछ मैंने इंटर कर लिया है, अब सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया, पूरी लिस्ट आ गई है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, टोटल सेंट फॉर ऑथेंटिकेशन, ये कई सारी डिटेल दी गई हुई है, जो EKYC वगैरह करते हैं उसकी पूरी डिटेल है, किसकी हुई है किसकी नहीं हुई है। तो आज मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं सिर्फ पेमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है पेमेंट स्टेटस का, ये देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस, तो इसी पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई है, बेनिफिशरी नेम, फादर नेम और विलेज पंचायत नेम, इंस्टॉलमेंट प्रोसीड और यूनिट अमाउंट, यानी कि कितना पैसा, यानी कितनी किस्त, ये इंस्टॉलमेंट प्रोसीड जो लिखा हुआ है किस्त है, और यूनिट ऑफ अमाउंट, ये कितना पैसा मिल चुका है, ये चीज़ है। यहाँ पर आपको अपना नाम देख लेना है, और उसके बाद में देख सकते हैं अपना नाम देखेंगे, और उसके बाद में किस्त, कितनी किस्त मिली है और कितना अमाउंट मिला है, पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। और ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है पेमेंट स्टेटस के नीचे सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक में अभी जो चल रहा है 2022-23 यही सिलेक्ट है। आप अगर पिछले देखना चाहें 21-22 का तो वो भी देख सकते हैं। जैसे इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो पिछला पेमेंट होगा वो दिखाया जाएगा, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी की ये तीन किस्तें हैं, उसके बाद एक ही मिली है, उसके बाद रुक गया है पैसा, और इनकी जो है एक ही साल में 6 किस्तें मिल गई हैं,
टोटल 12,000 मिल गया है। तो इसी प्रकार से सबका, जैसे किसी का रुका हुआ था पैसा तो वो इकट्ठे आ गया है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। जैसे अभी का देखना है अगर, तो अभी लेटेस्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नाम दिखा रहा है, उसके बाद किस्त इनको एक ही किस्त मिली हुई है। तो ये जो शुरू की किस्त है वो मिली हुई है इस साल की, फाइनेंशियल ईयर की 2022-23 की। उसके बाद इनको 12वीं और 13वीं किस्त नहीं मिली है। और ये देख सकते हैं दूसरे नंबर पे जो है, इनको 2 किस्तें मिली हैं और ये अभी 13वीं नहीं मिली है। तो यहाँ पे अभी 13वीं किस्त अपडेट नहीं हुई है, थोड़ा सा समय लगता है। अभी ये 27 को रिलीज हुई है और आज अभी 2-3 दिन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अपडेट होने में कभी कभी 5-7 दिन, हफ्ते भर भी लग जाता है, उसके बाद अपडेट होता है। तो जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे जिसका 2 दिखा रहा है तो वो 3 हो जाएगा, पैसे 4 के 6,000 हो जाएंगे, तो वो अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, हालांकि पैसा सबका खाते में पहुंच गया है जिसको मिलना था। अगर जिसका सब कुछ सही था, उसका पैसा उसके खाते में पहुंच गया है, यहाँ पे फिलहाल अभी अपडेट नहीं हो पाया है, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। क्योंकि इसमें कई नामों को मैं जानता हूँ जिनको कि 13वीं किस्त मिल चुकी है, किंतु यहाँ पर अभी 2 ही किस्तें दिखा रहा है। तो और ये देख सकते हैं, एक यहाँ पर 3 किस्तें मिल चुकी हैं, तो ये इनकी 2 किस्तें एक साथ में आई होंगी, क्योंकि 13वीं अभी अपडेट नहीं हुई है, का कोई रुकी हुई किस्त रही होगी जो कि 2 किस्तें एक साथ में आ गई होंगी, तो इसलिए इनकी 3 हो गई हैं। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। इस यहाँ पर चेक करने के लिए आपको ना तो मोबाइल नंबर की ज़रूरत है और ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत है। यहाँ पर आप सिर्फ अपने नाम से ही सर्च कर सकते हैं कि आपको कितनी किस्तें मिली हैं, कितनी नहीं मिली हैं, और ये सभी फाइनेंशियल ईयर का आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं, जब से ये योजना स्टार्ट हुई है 2018-19 से, तब से आप पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं कि किस साल में कितनी किस्तें आपको मिली हैं, कितनी नहीं मिली हैं। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और अगर ऐसी कोई और जानकारी चाहते हैं, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। इस चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगली एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।